दोहरे हत्या जैसे संगीन मामले में पैरोल पर चल रहे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और उनके भांजे अंशुल को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल सर्किट हाउस रेप कांड में अंशुल मिश्रा का नाम आया था। चर्चा यह भी थी कि अंशुल मिश्रा के द्वारा ही विनोद पांडे के नाम से सर्किट हाउस में कमरा बुक किया गया था। मामला उजागर होने पर मामा और भांजे राजधानी पहुंचकर अपने आकाओं से शरण मांगी थी, लेकिन मामला इतना उछला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंचे और इस दौरान आरोपियों के साथ सहयोगियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे दिया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विनोद पांडे को तो रात में ही गिरफ्तार करवा लिया। वहीं दूसरे ही दिन सिंगरौली से दुष्कर्म संत भी पकड़ा गया था, जिससे कि पूछताछ में खुलासा होने के बाद पुलिस सहयोगियों की भी तलाश कर रही थी। साइबर सेल की मदद से जानकारी मिली थी कि संजय त्रिपाठी और अंशुल मिश्रा भोपाल में छिपे हैं, जिन्हें पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर रीवा लाई है, अब जिनसे पूछताछ की जा रही। वही संजय त्रिपाठी के द्वारा पड़रा तिराहे पर किए गए अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, जिसका निरीक्षण भी कलेक्टर और एसपी के द्वारा किया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माफिया के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पूछताछ में अंशुल मिश्रा और संजय त्रिपाठी की गतिविधियां संलिप्त मिली हैं, जिनकी जांच की जा रही है और अवैध भवन को भी गिराया जाएगा। आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक को कि इस कार्रवाई के संबंध में उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दिक्कत है नहीं गाड़ी ले जाइए भाई, चलिए अंदर आते जाओ, किधर कोर्ट है ये वाला थोड़ा सा पीछे पीछे भाई। बोल रहा था सर विराट। हाँ जी सर, ये उसमें दुष्कर्म वाले मामले में क्या संजय त्रिपाठी और अंशुल जी को पकड़ा गया है? हाँ जी। तो सर कुछ और कार्यवाही आगे होगी? नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आ रहे हैं उनके आधार पे हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं लोगों को। जी जी। और अपनी केस डायरी में शामिल कर रहे हैं चीजों को, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो भी है। जी जी। क्रम में ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने जिसको घर पे आरोपी को अपने रात को रखा, रात भर रुका आरोपी, सुबह भी उनको रखा, उनको छोड़ने गए गाड़ी से, तो अपराध की श्रेणी में जो आता है उसके अनुसार कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल सर, निरीक्षण किया गया सर आपके द्वारा या कलेक्टर साहब के द्वारा भी इनके? हाँ, दो जगह गए थे। तो जो पटेल वाला है ना, यहाँ पे जो छेड़खानी का आरोपी था उसके अपराध है, आपको 8-10 अपराध है, तो उसके घर जो अनधिकृत निर्माण कार्य थे, नगर निगम ने पूरा उसका देखा था, होमवर्क किया था, उसको तोड़ा गया है। दो जगह था, और दूसरा की जो इनका जो कॉम्प्लेक्स है जी जी संजय त्रिपाठी का, वहाँ जो भी उनकी अनियमितताएं पाई गई, तो नगर निगम पीरोडी विद्युत विभाग अभी उसमें अपनी परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें आगे कार्रवाई क्या की जाएगी उसके अनुसार ही तय किया जाएगा। तो ये कार्रवाई सर माना जाएगा रेगुलर चलता रहेगा ना सर? ये बिल्कुल, कल सिरमौर में अपन ने तो अच्छी कार्रवाई की, 1376 का रेप केस का फरार आरोपी 5 साल, तो उसको कितना बड़ा निर्माण कार्य ध्वस्त किया गया, देखो ना आप, बिल्कुल कितना टाइम लगा, 3 जेसीबी 6 घंटे लग रहे। फिर एक और जो आरोपी है जो सजाया भी है, उसके जो अनधिकृत निर्माण थे वो भी ध्वस्त किए गए। जी जी। फिर आज ये पटेल वाला हुआ है जो लखे का छिड़खानी वाला, उसके भी अपराधिक रिकॉर्ड है। जी जी। कुछ रायपुर में भी कार्रवाई हुई है, कल हनुमाना में हुई थी, तो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, हाँ, तो चला भी रहे सर, बिल्कुल सर। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। सर ये भोपाल से पकड़े गए, भोपाल में मिले हैं? हाँ, उसके बाद वहाँ रुके हुए थे, छुपे हुए थे, पकड़ के लाए, पूछताछ की, फिर बातचीत में जो समझ में आया उसके अनुसार फिर इन्वेस्टिगेशन में उनको अरेस्टिंग की गई है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।